पति का नाम क्यों नहीं लिया जाता है? महिला लोग समझिए आप लोग, आप इस परंपरा से डायरेक्ट मत लड़िएगा। भगवान राम, भगवान कृष्ण, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, इनका नाम ले सकती हैं, लेकिन पहले तो किसी को अगर आपको गुलाम बनाना है तो सबसे पहले उसकी शिक्षा तोड़िए, क्योंकि शिक्षित व्यक्ति को आप गुलाम नहीं बना सकते कभी भी नहीं। तो महिलाओं को पहले अपने अंडर में रखने के लिए क्या किया गया कि पहले शिक्षा से रोका गया, उस पर भी महिलाओं पे अच्छा से दबाव बनाया जा सके, इसलिए उनकी शादी ब्याह अपने से बड़े उम्र में बहुत करना। देखिए कोई ये कोई बहुत वो चीज़ नहीं है कि एक आध साल आगे पीछे रह जाने से कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पहले 15-20 साल का गैप हो जाता था, बाल विवाह हो जाता था लड़की का, आदमी रहता था 35 साल का, लड़की रहती थी 15 साल की, इसमें वो एक ऑटोमेटिक सीनियरिटी आने लगती है। और सबसे उटपटांग चीज महिलाओं को कहा गया कि आप जो है ना पति की इज्जत करती हैं तो पति का नाम मत लीजिए, वो राम जी का नाम ले सकती हैं, भगवान राम, भगवान कृष्ण, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, इनका नाम ले सकती हैं, लेकिन पति का इतना इज्जत है कि उनका नाम नहीं ले सकती, इन्हों से बड़े हो गए। आप बताओ पति का नाम क्यों नहीं लिया जाता है? इज्जत के वजह से। राम जी का नाम ले सकती हैं, अरे बोला जाता है हे भगवान राम, हे कृष्ण भगवान, हे दुर्गा जी, दुर्गा जी का नाम ले सकते हैं, नाम इज्जत के साथ तो किसी का ले सकते हैं। जैसे मान के चलिए जगमोहन है, किसकी पत्नी? जगमोहन जी, खाना खाएंगे? क्या गलत है इसमें? जगमोहन जी, विनोद जी, कोई दिक्कत? यमराज जी, अरे बाप रे बाप, तुम यमराज जी आप बचे रहिए। महिलाओं को पहले क्या किया गया, इसी टाइप से उनको क्या किया गया मेंटली। अब आप बताइए, जी लगा के तो किसी को बुला जा सकता है, लेकिन वो जी भी गायब कर दिया। ए जी, खाना खाए हैं? अरे सबके साथ ये होता है, एक से एक रहता है गांव में, देखिएगा ना, उसको अपनी कहीं महिला चार गो रहेगी, उसको अपने पति के बारे में बता तो करें, इसके पापा बोल रहे थे, इसके पापा बोल रहे थे। महिला लोग समझिए आप लोग, रेस्पेक्ट देना दोनों को चाहिए, हस्बैंड को वाइफ का, वाइफ को हस्बैंड का, ओवर रेस्पेक्टिंग ये चीजें होने लगती है। बस एक अगर नाम लेने से ही इज्जत होता है तो फिर भगवान का भी तो नाम नहीं, वही उनसे ज्यादा तो रिस्पेक्ट कभी किसी का नहीं हो सकता है। लेकिन ये स्ट्रेटजी थी किसकी? पुरुषों की। है कि नहीं? आप इस परंपरा से डायरेक्ट मत लड़िएगा, आप ये बात उसको बोलिएगा कि देखिए हमको आपको एक आने में या एजी यूजी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक बात बताइए, जब ये कहा जा रहा है कि आपके रेस्पेक्ट के लिए हम आपकी नाम नहीं ले सकते हैं, लेकिन उसी समय हम भगवान का नाम ले सकते हैं, तो भगवान को थोड़ा बहुत खराब लगता होगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, तू खुदे कहेगा नहीं तुम सही कह रही हो, भगवान को खराब लगता होगा, इज्जत से लेके बता दो, उकरे थ्रू कहवाई कि तुम ही बोलो कि हाँ जगमोहन जी, जगमोहन जी, कोई दिक्कत? आगे बढ़े, ये कौन कह रहा है कि लड़का का एज ज्यादा होता है इसलिए उसका एज लड़का लड़की में कहां जाए? लड़के तो पहले मरता है, आधा तो पतंग लूटने में तूर भाग के गिर जाता है, आधा मोटरसाइकिल चला के छिटाया रहता है, नहीं समझे?